हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से इडली, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और मैं इसे आपको कटोरी में बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो आपको इसके लिए इडली मेकर की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले ली है एक कटोरी सूजी और उसी सेम कटोरी से मैं आधा कटोरी दही ले रही हूँ। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे एकदम थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसे ढक देते हैं और एक घंटे के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप कम से कम 20 मिनट तक तो रख ही दीजिए इसे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ रवा इडली। तो मैंने यहाँ पे ले ली है एक कढ़ाई। आप कौन सी भी कढ़ाई या टोप या कुकर ले सकते हैं और उसके अंदर मैं रख दे रही हूँ इस तरीके से एक जाली। ये कढ़ाई थोड़ी सो छोटी है इसलिए मैं ऐसे रख रही हूँ। बड़ी होती तो आप पलट के भी रख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ एक प्लेट। प्लेट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमारी जो कटोरी है वो थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए, पानी में डूबी हुई तक नहीं रहना चाहिए। तो मैंने इसे यहाँ पे रख दिया है गैस पे हाई फ्लेम पे और इसे ढक देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे चेक कर ले रही हूँ। आप देखिए, पहले ये काफी पतला था और अब ये कितना ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। मैंने इसे पूरे एक घंटे तक रखा था। आप अपने हिसाब से कम 15 मिनट तक तो आपको रखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक कप पानी लिया है। इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इडली का जो बैटल होता है बिल्कुल वैसा ही बैटल आपको इसका रखना है, ना ही ज्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज्यादा पतला रखना है। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्ट बैटल बन करके तैयार हुआ है। ना ही ज्यादा गाढ़ा है और ना ही ज्यादा पतला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने तीन कटोरी ले ली है छोटी साइज की और उसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा तेल और उसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे। तेल कटोरी में लगा के इडली बनाने से इडली हमारी अच्छे से आसानी से निकल जाती है बिना चिपके। में तेल लग चुका है, इसे रखते हैं साइड में। और आखिरी में बैटल में एक और चीज हमें मिक्स करनी है, बेकिंग सोडा। ये देखिए, ये बहुत ही थोड़ा सा है, बहुत ही कम आपको डालना है, पिंच भर डालना है सिर्फ। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप इनो भी डाल सकते हैं। इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें इसे ज्यादा देर तक रेस्ट नहीं करवाना है, डायरेक्ट ही स्टीम करना होगा। तो हम कटोरियों में भर लेते हैं। हमने इसे कटोरी में डाल लिया है, थोड़ा सा टैप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा पानी भी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। तो हम तीनों कटोरियों को इसमें रख देंगे और इसे ढक देंगे। और 10 से 12 मिनट हो गया, हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी रवा इडली कितनी अच्छी से फूली है। मैंने एक टूथपिक लिया है और एक बार चेक कर लूंगी इसे। आप देख सकते हैं कि हमारी टूथपिक एकदम क्लीन निकली है। मैं एक बार नाइफ से भी चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, ये पक चुका है। 10 से 15 मिनट में एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपकी रवा इडली पक चुकी है तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ले लिया है इतना सा शेंगदाना। ये भुना हुआ शेंगदाना है। 5 से 6 लहसुन की कलियां और एक हरी मिर्च। आप जितना तीखा चटनी बनाना चाहते हो उतनी हरी मिर्च डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ आधा कप पानी और इसे फिर से अच्छे से पीसेंगे। एकदम बारीक पीसना है। ये देखिए, आपको इस तरीके से एकदम बारीक पीसना है। आप चटनी को गाढ़ा या पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने ना ही ज्यादा गाढ़ा किया है ना ही ज्यादा पतला किया है, इस तरीके से पीसा है। ठंडी भी हो चुकी है, चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। तो एक नाइफ की हेल्प से आप इस तरीके से साइड में कट लगा दीजिए और इसे उल्टा करके 2-3 बार अच्छे से पीट दीजिए।
ये देखिए हमारी रवा इडली बन करके तैयार है और ये नरम भी है काफी। तो आप ये देखिए हमारी रवा इडली बन करके तैयार है मूंगफली के चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स आपने देखा सूजी से इडली बनाना कितना आसान है और ये कटोरी में भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आप बहुत देर तक कुछ भिगो के नहीं रखना चाहते हैं, पीसना नहीं चाहते हैं और तुरंत इडली बनाकर खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।